गाइस हम स्टार्ट करते हैं कुर्ताज अंडर 500 की अनबॉक्सिंग स्टार्ट। सो गाइस तो कैसी लग रही है? और गाइस इन्हें तो अनबॉक्स करते करते हमारी हंसी हो जाएगी। डिफरेंस बिटवीन मीशो की ज्वेलरी एंड मिंत्रा की ज्वेलरी। अब पतियों की ढीली 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 कर। हे गाइस वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? सो गाइस हमारा फेस्टिवल सीजन स्टार्ट होने वाला है और आई होप कि आप सब लोग भी शॉपिंग करनी शुरू कर दिए होंगे। सो गाइस इस नाचीज ने भी की है अपने फेस्टिवल सीजन की शॉपिंग और थोड़ी नहीं अच्छी खासी कर डाली है, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ शेयर किया जाए। तो गाइस सीन ऐसा था, सो गाइस मिंत्रा से मैंने शॉपिंग की थी। तो आप जानते हैं कि मिंत्रा से जब शॉपिंग हम लोग तभी करते हैं जब अच्छी सी सेल आती है। तो सेल स्टार्ट हो गई थी तो हमने कुछ कपड़े अपने लिए ऑर्डर किए, तो हुआ क्या कभी एक पैकेट आ रहा था कभी दो पैकेट आ रहे थे। तो इस वजह से हमने सोचा आप एक एक पैकेट की अनबॉक्सिंग करने से पहले से फायदा नहीं है या एक एक पैकेट एक एक कुर्ता दिखाओ उससे कोई फायदा नहीं, तो हमने सोचा सब इकट्ठे आ जाएंगे तब हम आपके साथ शेयर करें। सो गाइस मेरे अब सारे पैकेट्स आ चुके हैं, सारी ज्वेलरी आ चुकी है, तो हमने सोचा क्यों ना आपके साथ में अब अनबॉक्सिंग की जाए। गाइस हम स्टार्ट करते हैं कुर्ताज अंडर 500 की अनबॉक्सिंग स्टार्ट। तो 1 2 3 स्टार्ट। सो गाइस इसमें हमने कुछ कुर्ते हैं जो मिंत्रा के हैं, बट जो ज्वेलरी है उसमें से कुछ ज्वेलरी जो है वो हमने मीशो से भी मंगाई है। तो हम आपको दिखाएंगे कि मीशो की पैकिंग में और मिंत्रा की पैकिंग में कितना डिफरेंस है। तो चलिए हम आज का ये ब्लॉग यहीं से स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 सो गाइस दिस इज माय फर्स्ट पैकेट और मैं आपको इसमें से जा रही हूँ अपनी पहली कुर्ती दिखाने। तो ये मेरी मैंने ली है लिबास की कुर्ती है, तो मैं आपको इसकी अनबॉक्सिंग करके दिखाती हूँ। देखते हैं आप इसका ये वर्क देखिए कितना, देखिए कितना क्लियर है। ऐसे नहीं समझ में आएगा, मैं आपको पहन कर दिखाती हूँ। ये देखिए कैसी लग रही है। तो अब हम चलते हैं जल्दी से हमारी दूसरी कुर्ती की तरफ, उससे पहले से चेंज तो करें। सो गाइस अब हम खोलेंगे हमारी मिंत्रा की दूसरी कुर्ती, ये भी 500 के अंदर है। और गाइस इसकी एक्चुअल की जो प्राइस है वो 1149 है, मतलब 1150। और ये है विशुद्ध की, ये देखिए उल्टा दिख रहा होगा कैमरे की वजह से। सो चलिए अब हम इसको भी ट्राई करके आपको दिखाते हैं। ओके सो 1 2 3 सो गाइस ये देखिए मेरी दूसरी कुर्ती। सो कैसी लग रही है? और गाइस इसकी सबसे खास बात ना इसका जो प्रिंट है ना वो ये देखिए ये वाला प्रिंट है, और ये प्रिंट इसका पूरे कुर्ते पे है, फ्रंट में भी है बैक में भी है पूरे में, स्लीव्स पर भी है और प्लस जो इसमें नीचे ये घेर होता है इस पर भी है। सो ये कुर्ती तो बहुत मस्त है और सम है, और ये भी 500 के अंदर है गाइस। तो चलिए हम चलते हैं हमारी तीसरी कुर्ती की तरफ। ओके उससे पहले चेंज तो कर लेते हैं। 1 2 3 गाइस अब चलते हैं हमारी तीसरी कुर्ती की तरफ। ये कुर्ती भी पड़ी है मुझे 500 के अंदर। ओके तो 1 2 3 तो ये है, ये भी विशुद्ध की है, ये भी विशुद्ध की है, और इसका जो प्राइस है ये तो 1200 रुपए की कुर्ती है गाइस, और ये भी 500 के अंदर ही है। तो चलिए हम इसकी भी का कलर कितना प्यारा है ना, आप लोग बताइएगा गाइस कि आप लोगों को मेरी सारी कुर्तियों में से कौन सी कुर्ती पसंद आई सबसे ज्यादा। ये देखिए ये भी नीचे से ऊपर तक एक जैसा इसका वर्क है, ये देखिए ये देखिए। तो चलिए इसे भी हम ट्राई करके दिखाते हो कि कैसी लग रही है गाइस। ये देखिए इसका भी यही है कि इसमें भी देखिए नीचे कितना सुंदर वर्क है, ये देखिए इसमें बैक पे नहीं है पर पूरी बाजुओं पर है, फ्रंट में है, ये देखिए कैसी लग रही है। इसका कलर मुझे बहुत पसंद है, आपको कैसा लगा बताइएगा जरूर। सो गाइस अब चलिए हम इसे चेंज करते हैं और चलते हैं हमारी चौथी कुर्ती की तरफ। सो गाइस ये रही हमारी चौथी कुर्ती। इन्हें तो अनबॉक्स करते करते हमारी हंसी हो जाएगी। तो चलिए दिखाते हैं हम आपको।
ये भी है विशुद्ध की, ये भी विशुद्ध की है, ये देखिए ये भी विशुद्ध की है। सो ये मुझे अच्छी लगी, ये फ्रॉक डिजाइन है, आप इसे विदाउट लेगिंग भी कहीं भी ऐसा ड्रेस पहनकर जा सकते हो। ये देखिए गाइस है, तो चलिए हम इसे भी ट्राई करके दिखाते हैं। ओके तो ये देखिए गाइस कैसी लगी आपको। सो इसका लुक बिल्कुल अलग ही है, इसमें यहाँ पे इन्होंने बेल्ट दी हुई है। तो कैसी लगी आपको, बताइए बताइए कैसी लगी आपको। सो थक गए हम तो, कुर्ती चेंज करते करते, आप तो शायद देखते देखते भी थक गए होंगे। तो चलिए फिलहाल चलते हैं हमारी पांचवी कुर्ती की तरफ। तो गाइस अब चलते हैं हमारी पांचवे नंबर की कुर्ती की तरफ। ये थोड़ा ज्यादा ब्राइट कलर है, ये देखिए ये भी अगेन विशुद्ध, जिस समय ऑर्डर की होंगी कुर्ती उस समय विशुद्ध पे ही अटका हुआ होगा। तो चलिए अब हमारी पांचवी कुर्ती ओपन करते हैं। ये देखिए गाइस, तो आज हम लाए हैं आपके लिए कुर्तीज अंदर 500, वो भी ब्रांडेड कुर्तियां अंडर 500। तो चलिए अब हम इसे ट्राई करके दिखाते हैं। तो ये देखिए गाइस, ये थोड़ा सा ना सिल्क मिक्स वाला जो कपड़ा होता है ये कुछ वैसा है, बट बहुत खूबसूरत। इसके नीचे आप कॉटन का जो शरारा चला है आजकल, या कोई भी ले लीजिए, इवन आप ना स्किन कलर का या गोल्डन कलर का इन बॉटम वेयर ले लेंगी ना कुछ भी, ये सारे कुर्ते आपके उसके साथ चल जाने हैं, सारे कुर्ते। तो मैं तो ऐसे ही करने वाली हूँ, देखिएगा आप आगे। ये देखिए सॉरी, नीचे मैंने अपना पैजामा पहन रखा है रेगुलर वाला। ये देखिए कैसा लगा आपको, ये देखिए फुल स्लीव्स वर्क, फुल चेस्ट वर्क, एंड नीचे अर्च पे भी देखिए ये वर्क रहा। तो चलिए फिलहाल हम इसे चेंज करते और चलते हैं हमारे सिक्स्थ एंड फाइनल कुर्ते की तरफ, पांचवे कुर्ते की अनबॉक्सिंग करते हैं। तो ये रहा, ये मेरा स्पेशल एंड लास्ट कुर्ता, तो चलिए इसे ओपन करते हैं। ये मैंने बहुत मन से मंगाया, और जितने मन से मंगाया है ये प्रॉपर सिल्क का है, ये बहुत हल्का कपड़ा है, ये देखिए बहुत हल्का है। तो इसका जो प्रॉपर लुक है वो कुछ ऐसा है, ये देखिए बहुत हल्का कपड़ा है। चलिए हम आपको इसे भी चेंज करके और पहन के दिखाते हैं, क्योंकि जब पहन लो ना तो उससे बिल्कुल फाइनल लुक पता चलता है कि हाँ कैसा लग रहा है। तो आपको भी तो पता चलना चाहिए ना कि आखिर कुर्तियां पहनने के बाद कैसी लगने वाली। तो चलिए चेंज करते हैं, कैसा लगा। सो दिस इज माई फाइनल एंड लास्ट कुर्ती इंडोरा। तो मुझे ये कुर्ती बहुत पसंद आई थी, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको लिया जाए। तो अब मैं इसे चेंज नहीं करने वाली हूँ, अब मैं इसी के साथ आपको अपने इयररिंग्स की अनबॉक्सिंग करूंगी, तो वो दिखाऊंगी। तो मैं सारे इयररिंग्स आपको इसी पे पहन के दिखाऊंगी, क्योंकि इस पे सब सूट करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। ओके सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक चीज दिखाना चाहूंगी, डिफरेंस बिटवीन मीशो की ज्वेलरी एंड मिंत्रा की ज्वेलरी। और दोनों की प्राइस में कोई अंतर नहीं है खास, बट आप पैकेजिंग देख लीजिए दोनों की, और मैं भी आपको ओपन करके भी दिखाऊंगी कि किसकी पैकेजिंग कैसी है, तो आप ये जरा नोटिस करिएगा। ओके तो पहले हम खोलते हैं मिंत्रा की ज्वेलरी। ओके सो इसमें ये है, इसके साथ में इसकी ये प्राइस टैग है, और ये प्रयासी के झुमके हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ कैसा लगे आपको, तो चलिए मैं आपको पहन कर ये देखिए गाइस, है इस पर मैचिंग की नहीं। तो चलिए अब हम आपको दिखाते हैं जो हमने मीशो से ज्वेलरीज मंगाई है, कैसी लगी आपको बताना जरूर गाइस, कमेंट जरूर करके बताना कि आपको कैसी लगी। फिर मैं आपके लिए ऐसे और नए नए वीडियो लेकर आऊंगी। तो चलिए हम चेंज करते हैं, दिखाते हैं आपको अपनी दूसरी ज्वेलरी। सो गाइस वो चेंज कर दी, अब हम आपको दिखाते हैं हमारे दूसरे झुमके जो हमने मीशो से मंगाए थे। आप पैकेजिंग पे गौर करिएगा, देखिएगा ये देखिए इतना बड़ा डिब्बा चला इसके, कितने बड़े बड़े झुमके। और मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कैसे पैकेज है इसकी। ये देखिए इसके अंदर इन्होंने सिंपल बस इन्हें ऐसे करके जो है दे दिया मुझे झुमके। नो डाउट अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है, बट फिर भी यार थोड़ा सा तो ध्यान देना चाहिए ना। ये देखिए कैसा
कैसे लग रहे हैं मेरे इयररिंग्स? तो चलिए मैंने आपको पहन कर दिखाते हैं। सो गाइस, कैसे लग रहे हैं मेरे इयररिंग्स? कैसे लग रहे हैं मेरे इयररिंग्स गाइस? नो डाउट इयररिंग्स बहुत खूबसूरत है देखिए, बट पैकिंग इतनी चीप कि कुछ कहने के लिए नहीं। मतलब अगर वहाँ से आता कहें तो शायद टूट भी जाए। तो ये वाले आपने देखे, हम आपको इसके थर्ड वाले दिखाते हैं। थर्ड वाले आप देख चुके हैं पिछली बार नवरात्रि वाले ब्लॉग में, क्योंकि वो मुझे पहनने पड़े, वो मेरी साड़ी पे बहुत अच्छे से मैच कर रहे थे, बट मैं फिर भी आपको दिखाती हूँ। ओके, तो चलिए हम से चेंज करते हैं। मेरे पति देव कहते हैं कि आजकल तो पास कोई काम नहीं रह गया, सिर्फ शॉपिंग 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 शॉपिंग। सो दिस इज माई थर्ड एंड लास्ट इयररिंग्स, आपको दिखाती हूँ। यार हम तो थक गए यार, बोर हो गए बिल्कुल। तो ये देख, कुछ भी नहीं, बस ऐसे पैकिंग आई है। मतलब देख सकते हैं आप, इन्हें अगर रखना भी है तो उसके लिए बॉक्स अलग से करना पड़ेगा, तब आप देख सकते हैं। तो खैर कोई बात नहीं, आपको आप ही ये वाली इयररिंग्स आप मुझे पिछली बार पहले देख चुके हैं। ये वाले ये देखिए, मैंने पिछली बार पहने थे, बट मैं फिर भी आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये आप बहुत नज़दीक से देख चुके हैं, तो ज़्यादा मैं इन्हें पहन कर नहीं दिखाती, ब्लॉग लंबा वैसे ही बहुत हो रहा है। तो देखा आपने मेरी शॉपिंग, कितने एक्साइटेड हो जाते हैं ना फेस्टिवल सीजन आते आते। फेस्टिवल सीजन आता है ना, पागलों की तरह शॉपिंग पे शॉपिंग शॉपिंग पे शॉपिंग करना शुरू कर देते हैं। अब पतियों की जेब ढीली 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 करना शुरू कर देते हैं। खैर कैसा लगा आपको मेरा ये कुर्ता? तो इसी के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं, और प्लीज हम अपने इस कुर्ते को जल्द चेंज करते हैं। ओके, सो आई एम बैक, कपड़े चेंज हो चुके हैं। अब मैं आपको कुछ दिखाती हूँ कि मेरे कपड़े इधर कैसे पड़े हुए हैं। ये देखिए गाइस, एक एक करके चेंज करने में कितना मज़ा आ रहा था। और ये देखिए, अभी ऐसे फैला हुआ है, और ये सब मुझे अभी जो है समेटना पड़ेगा। इसके लिए देखना कितना टाइम लग जाए। हाँ बेटा, तुम्हारे लिए भी शॉपिंग करेंगे फिलहाल अपने। तुम कितने चालाक हो यार, तुम्हारे लिए कितनी शॉपिंग करते हैं, तुम फिर भी ऐसे बोलते हो। अच्छा अच्छा अच्छा, बच्ची बच्ची, हम बच्ची हैं, बच्ची हैं। अच्छा, सॉरी बाबा, सॉरी सॉरी, माफ करो माफ करो। अब क्यों चुप रहे हो? ये सॉरी, ये बहुत होशियार है इसको। ये जब से मेरे कपड़े आए, जब से सारी सामान है, सो यही कह रहा, अपने लिए शॉपिंग कर ली, मेरे लिए शॉपिंग नहीं करती हो। सो गाइस, चलिए अब शॉपिंग हो गई, अनबॉक्सिंग हो गई, अब ये पैक बॉक्सिंग कर लेते हैं। पहले पैक अनबॉक्स कर लेते हैं, क्योंकि ऐसे पड़े रहेंगे तो देव का दिमाग खराब रहेगा। सो गाइस, अब ये सारी कुर्तियाँ अनबॉक्स से इनबॉक्स हो चुकी हैं। और ये देखिए हमारी सारी ज्वेलरी, ये देखिए आप, हमने ये तो ज्वेलरी बॉक्स में थी, हमने इसके साथ में हमारे पास एक बॉक्स और रखा था, तो ये दोनों ज्वेलरीज जो थी, इयररिंग्स, हमने इसमें रख दी हैं। सो ये भी सेफ हो गए, अब इनकी पॉलिशिंग नहीं जाएगी। सो कैसी लगी मेरी अनबॉक्सिंग वीडियो आपको? सोचिए, सो गाइस, कैसा लगा आपको हमारा आज का ये वीडियो? आपको कुछ लगा इंटरेस्टिंग तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं कि आप सब लोगों की दिवाली की, करवा चौथ की क्या क्या तैयारियां चल रही हैं। तो इसी के साथ अपना आज का ये ब्लॉग यहीं खत्म करते हैं। और गाइस, कल से हमारा करवा चौथ सेशन शुरू होने वाला है, जिसमें हम कभी फेशियल, कभी साड़ी में कुछ कैसे कैरी करनी है, कभी जो है करवा चौथ की पूजा की थाली, कभी हम करवा डेकोरेशन, कुछ ना कुछ इनोवेटिव करते रहेंगे। तो आप मेरा हर ब्लॉग जरूर देखिए। आई होप आपको मेरा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। और प्लीज लाइक करते रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय।